definitely secure his presence in the court physically for recording his evidence. On what ground? The court said that you have not made any ground for exempting today, that why he has violated the order. But since नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज पटना की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक चुनावी जनसभा के दौरान सारे मोदी चोर हैं का की बात कही थी और उनकी इस टिप्पणी को लेकर के देश के अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। और इसी में एक मामला भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज कराया था। इस मामले में आज यानी कि 12 अप्रैल को राहुल गांधी की पटना की MPML अदालत में पेशी होनी थी, लेकिन राहुल गांधी आज अदालत की पेशी के दौरान सशरीर उपस्थित नहीं रहे। तो इसी को लेकर के आज अदालत में दोनों पक्षों की ओर से जो सुनवाई के दौरान वकीलों ने अपने अपने पक्ष रखे, उसके बाद अदालत ने एक अहम फैसला सुनाया है और राहुल गांधी के लिए साफ तौर पर कहा है कि अगर आप अगली सुनवाई यानी कि 25 अप्रैल को इस मामले की अगली सुनवाई होगी और उस सुनवाई के दौरान अगर आप सशरीर पटना के MPML कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो आपका बेल बॉन्ड रद्द कर दिया जाएगा। दरअसल राहुल गांधी को इस मामले में आज ही कोर्ट में पेश होना था, इसे लेकर के उन्हें पहले ही नोटिस जारी भी किया गया था, लेकिन अदालत में उनके वकीलों ने उनकी ओर से पक्ष रखा और उन्हें तत्काल यहां पर आने में असमर्थता जाहिर की। इसी को लेकर के जो सुशील कुमार मोदी के पक्ष के वकील थे, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा और बताया कि किस तरीके से राहुल गांधी आज भले अदालत में पेश नहीं हो रहे हैं, लेकिन वे अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दोनों पक्षों की ओर से दोनों की बातों को सुनने के बाद पटना की अदालत ने राहुल गांधी को एक तरीके से कहा जाए तो झटका दिया है और उन्हें साफ तौर पर सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर आप 25 अप्रैल को होने वाली सुनवाई के दौरान सशरीर पटना की अदालत में पेश नहीं होते हैं तो आपका बेल बॉन्ड रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि अगर बेल बॉन्ड आपका रद्द होता है तो आपकी उस स्थिति में गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो इस पूरे मामले में क्या आज अदालत में हुआ, किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर के कोर्ट ने अपना निर्देश दिया है, आप सुनिए राहुल गांधी के जो वकील थे वो इस मामले में क्या कह रहे हैं। डेफिनेटली सिक्योर हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट फिजिकली फॉर रिकॉर्डिंग हिज एविडेंस। ऑन व्हाट ग्राउंड? द कोर्ट सेड दैट यू हैव नॉट मेड एनी ग्राउंड फॉर एग्जेम्प्टिंग टुडे दैट व्हाई ही हैज वायलेटेड द ऑर्डर, बट सिंस हिज लॉयर वाज मेकिंग रिप्रेजेंटेशन रिपीटेडली दैट प्लीज हिज टीम इज इन लीगल टीम इज इन सूरत इन द अर्लियर केस इन व्हिच ही हैज बीन कन्विक्टेड, देयरफॉर प्लीज हिज टीम हैड टू कम अलोंग विद द लॉयर्स, दे हैव नॉट कम हियर, देयरफॉर प्लीज ग्रांट अस वन डे।